यस, जैसे अभी 18 महीने का पौधा है और उसके अंदर में आप देख सकते हो इस लेवल पे ये सीड जो है उसका खोखा आने लगा है। अपन ये चीज़ भी आपको दिखाते हैं ये हाथ में लेकर। अभी ये जो चीज़ हो गई है अपनी, इसका सॉल्यूशन क्या? तो बेसिकली तो जो एक बार फ्लावरिंग हो जाता है उसका कुछ रिटर्न हम कर सके, बेक ला सके, वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन बाकी का अपने खेत के अंदर में जो पौधे लगे हैं वो ऐसे ही सीड बेस ना आए, उसमें प्रीमेच्योर फ्लावरिंग ना आए, वो रोक सकते हैं। वो कैसे? तो एक तो अगर हम इस पौधे को कुछ भी नहीं करेंगे तो ये हवा के द्वारा भी पोलिनेशन करेगा और एक पौधा दूसरे 10 से 15 पौधे को बिगाड़ेगा। तो सबसे पहले तो जिसमें फ्लावरिंग आया है, अपने को समझ में आ गया कि ये वाला पोल है जिसके अंदर में वो फ्लावरिंग आया है, तो इस पोल को नीचे से 6 इंच रख के कट कर देना चाहिए और ये पूरा स्टंप जो है उसको उठा के खेत के बाहर कर दो जहाँ से हवा यहाँ तक ना आए, और अगर हो सके तो इसको जला दो। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। हमारे द्वारा जितने भी फार्मर काम कर रहे हैं हम सभी को यही कहते हैं और सभी यही इस्तेमाल करने के बाद उसको पोलिनेशन में कमी आती है, इस तरीके का पौधा कम उसके खेत के अंदर में बन रहा है। देखिए, इसका ना तो कोई गणित होता है ना तो इसकी कोई किताब होती है। फार्मर से ही हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं और फार्मर ही इसकी गाइडलाइन देते हैं। वो गाइडलाइन हम जितनी जितनी करते जाते हैं उस हिसाब से कम अपने पौधे दूसरे को भी प्री मेच्योर फ्लावरिंग से रोक सकते हैं। खत्म नहीं होगा, रुक सके वैसी ट्राई कर सकते हैं, कम हो सके, कम पौधे बिगड़े वैसी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को भी प्री मेच्योर फ्लावरिंग हो और इससे बेटर भी कुछ ऑप्शन मिल रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 7587539222। थैंक यू वेरी मच।